हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आप लोग को बताएंगे कि आप लोग जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है वो आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, सारा प्रोसेस हम आप लोग को दिखाएंगे ऑनलाइन भी। आपका जो ये ऑनलाइन प्रोसेस है आप लोग कैसे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो पोस्ट आया था, ये जो आपका पोस्ट आया था केंद्रीय विद्यालय संगठन का, जो 13,404 जो पोस्ट है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी के लिए, इसमें आपका टीपीआरटी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, म्यूजिक टीचर, लैब बेंच, जूनियर असिस्टेंट, ये सब जो पोस्ट है आपका। ठीक है, ये आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारा प्रोसेस हम आप लोग को बताएंगे कि आप जो ऑनलाइन अप्लाई है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आप लोग ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो साइट है उसमें आपको चला जाना है। फिर आपको यहाँ पे देखना है, ऊपर में क्लिक और फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं अच्छे से, या तो वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट थ्रू LDEC 2022। ठीक है, तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, इस लिंक में क्लिक करने पर आपका जो एक यहाँ पे एक रिडायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यू आर बिंग रिडायरेक्टेड टू इंस्टॉल वेबसाइट, प्लीज नोट द KBS कैन नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल वेबसाइट कॉन्टेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज जो आएगा आपका रिलोड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज रिलोड होने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय विद्यालय आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा रहेगा लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, फॉर एग्जिस्टिंग KBS एम्प्लॉय। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि फॉर एग्जिस्टिंग KBS एम्प्लॉय मतलब क्या है। जो एग्जिस्टिंग KBS एम्प्लॉय है उन लोग के लिए ही एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एग्जिस्टिंग KBS मतलब जो लोग KBS में टीचिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, उन लोग के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो उन लोग ही ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, और जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस यहाँ ए आने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का जो यूजर आईडी पासवर्ड ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो वही से अप्लाई कर सकते हैं। जो नया कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये आपके लिए नहीं है, किसी जो ऑलरेडी KBS में काम कर रहे थे। ठीक है, अगर आप KBS में काम कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा लॉग इन करके। ठीक है, तो आपको ये जो फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।